वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के, और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है, और हमारा आज का टॉपिक है पार्लियामेंट। आज हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, और एक कोटा एक्सटेंशन बिल 2019 के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया का पार्लियामेंट है उसके तीन पार्ट्स है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। आर्टिकल 79 में मेंशन है, राइट। तो जो हमारा प्रेसिडेंट है, ऑल्दो वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, बट वो पार्लियामेंट में कभी भी बैठता नहीं है, राइट। तो जो प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का पार्ट होते हुए भी ही और शी डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट। जो हमारा फर्स्ट लोकसभा था उसका टेन्योर था 13 मई 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957। अब देखते हैं पार्लियामेंट के कुछ मेन फंक्शंस। फर्स्ट आता है प्रोवाइडिंग द कैबिनेट, कैबिनेट प्रोवाइड करता है। देन कंट्रोल द कैबिनेट, कैबिनेट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द कैबिनेट एंड इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, ठीक है। अब देखो, आपने अगर कभी संसद टीवी देखा होगा तो उसमें आपने अक्सर कर देखा होगा कि आपस में लड़ाइयाँ चल रही होती है। जो अपोजिशन होती है वो रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। कोई भी मिनिस्टर है, उसने कोई नई पॉलिसी लेकर आया है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो पार्लियामेंट का काम क्या होता है, कैबिनेट एंड इंडिविजुअल मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना, राइट। पार्लियामेंट सिक्योर्स द इंफॉर्मेशन अथॉरिटेटिवली, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेशन मेकिंग द लॉज, लॉज बनाता है। सारे जितने भी बिल आते हैं वो जब पास हो जाते हैं पार्लियामेंट में तो उसके बाद लॉ बनता है, राइट। फिर आता है फाइनेंशियल कंट्रोल, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसमें से पैसा निकालना है, जो कुछ भी काम करना है वो सारे का सारा पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। नेन आता है बिल पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट्स असेंट। कोई भी ऐसा बिल जो पार्लियामेंट में आया और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास हो गया, उसके बाद जब तक प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिलता तब तक वो बिल लॉ नहीं बनता। तो बिल को लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट का असेंट मिलना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है द बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो सर्कुलर है, उसको किसने डिज़ाइन किया था, सर एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर ने 1912 और 13 में इसको डिज़ाइन किया था पार्लियामेंट की बिल्डिंग को। जो इसका फाउंडेशन स्टोन था वो कब रखा गया था, 12 फरवरी 1921 में। इसमें टोटल 144 पिलर्स है, ग्रेनाइट के बने हुए हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको एक बार पढ़ लेना ध्यान से, कई बार पेपर में पूछ भी लेते हैं बट बहुत रेयर चांस है, बट हाँ इसको ध्यान से एक दो बार पढ़ लेना। देन आता है राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जो 238 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, वो इलेक्ट होते हैं बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनकी कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती, डायरेक्ट इलेक्शन होती है लोकसभा के मेंबर्स की। तो राज्यसभा के 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं और 238 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, आर्टिकल 80 में मेंशन है। फिर जो 12 मेंबर्स होते हैं वो उनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। बट कौन से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ये वो मेंबर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। फिर राज्यसभा का जो हाउस होता है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। जो लोकसभा होता है वो डिसॉल्व हो जाता है बट राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनकी इलेक्शन कैसे होती है, उनको इलेक्ट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन कैसे होती है, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा
मेंशन है आर्टिकल 81 में। लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 552 मेंबर्स होते हैं, सॉरी लोकसभा में टोटल 552 मेंबर्स होते हैं। इसमें जो 530 मेंबर्स होते हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के होते हैं जिनको कि हमारा प्रेजिडेंट नॉमिनेट करता है। अब जो करंट लोकसभा है आज की, ठीक है, प्रेजेंट उसकी हम बात करते हैं, उसमें टोटल 543 मेंबर्स है। आउट ऑफ दिस 543 मेंबर्स 530 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए हुए हैं और 13 मेंबर्स यूटी से आए हुए हैं, राइट। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज मींस एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स, मतलब कोई भी ऐसा इंडिया का सिटीजन जिसकी एज 18 या 18 से ऊपर है वो वोट दे सकता है लोकसभा के मेंबर्स को, ठीक है। तो वहां से डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं। अडल्ट सफरेज का प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 326 में। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। लोकसभा में किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की रिजर्वेशन नहीं है एससी और एसटी को छोड़ के। नेक्स्ट आता है हमारा एससी एसटी कोटा एक्सटेंशन बिल 2019। ये पहले लोकसभा में पास हुआ था 10th दिसंबर 2019 को, फिर 12th दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी पास हो गया, ठीक है। जितने भी 163 मेंबर्स प्रेजेंट थे राज्यसभा में उन सब ने इसके फेवर में वोट दी और ये बिल फिर राज्यसभा में भी पास हो गया। और इस बिल में क्या लिखा हुआ था, टू एक्सटेंड रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज बाय अनदर देन 10 ईयर्स, ठीक है। इस बिल में लिखा हुआ है कि जो एससी और एसटी की सीट्स है लोकसभा में, सीट्स की रिजर्वेशन है, ठीक है, उसको आगे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया एससी एसटी कोटा एक्सटेंशन बिल के थ्रू, ठीक है। और ये कौन सी अमेंडमेंट थी, 126th अमेंडमेंट बिल 2019 था, ठीक है। और ये बिल पास हुआ था विद 352 मेंबर्स वोटिंग इन फेवर एंड नन अगेंस्ट इट, ठीक है। जितने भी 352 मेंबर्स ने वोटिंग की थी सब ने इसके फेवर में वोट करी थी, किसी ने भी इसके अगेंस्ट वोट नहीं करी। द बिल एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ एस सी एस टी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ठीक है। इसमें जो रिजर्वेशन थी एस सी एस टी की लोकसभा और स्टेट असेंबलीज दोनों में ही एक्सटेंड कर दी गई थी, जो कि 25th जनवरी 2020 से आगे 10 साल के लिए एक्सटेंड करी थी, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन थी ये 7th एक्सटेंशन थी जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 से लेकर अब तक, ठीक है। 7th टाइम 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था लोकसभा में एस सी एस टी की सीट्स को, राइट। देन आता है द बिल इज ऑल्सो अंडर द प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा एंड असेंबलीज आफ्टर जनवरी 2020, ठीक है। अब ये वाला जो बिल था एस सी एस टी एक्सटेंशन बिल, ठीक है, इस बिल के थ्रू जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के लोगों को प्रेजिडेंट 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता था ना लोकसभा में, तो उनकी जो नॉमिनेशन वाला प्रोविजन था उसको जनवरी 2020 से खत्म कर दिया इस बिल के थ्रू। सो दिस इज फॉर टूडे। नेक्स्ट हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।